हरी ओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं कृपाल लोधी। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो मुख्यतः आर्मी भर्ती परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में यदि आप किसी भी राज्य की पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती या SSC रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी होता है कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय की परिभाषा को जानना जरूरी है। तो समुच्चय को स्टूडेंट्स इंग्लिश में कहते हैं सेट। अब समुच्चय कहलाता क्या है? समुच्चय वस्तुओं की सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। जैसे ये सुपरिभाषित समूह का मतलब क्या होता है, खैर अभी हम बता रहे हैं, कुछ चीजें और आप समझ लो। किसी भी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाया जाता है, और इनके जो अंदर के जो अवयव होते हैं स्टूडेंट्स, ये मझले कोष्टक में लिखे जाते हैं। जैसे यहां हम कहें ए बराबर ए, ई, आई, ओ और यू, तो ये हम कहें कि ए एक समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि वस्तुओं की सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब यहां हमने जो ए, ई, आई, ओ, यू लिखा है, ये क्या है? ये स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। या स्टूडेंट्स हम कुछ भी हम कह दें कि बी बराबर, यहां हम कुछ भी कह दें मंजिली कोष्टक में 2, 4, 6, 8 और 10, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये सम संख्याओं का समुच्चय है, और कहां तक की? 10 तक की, ठीक है। तो ये सम संख्याएं हैं, तो सुपरिभाषित का मतलब यही होता है। सम संख्याओं का हो सकता, विषम संख्याओं का हो सकता, पूर्णांक का हो सकता, प्राकृत संख्याओं का हो सकता, या हम कहें कि x बराबर 1, 2, 3 अप टू डैश 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 100, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये भी सुपरिभाषित समूह है, क्योंकि 1 से लगा करके 100 तक की संख्याएं हैं, तो ये सभी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। तो हम कह सकते हैं x एक ऐसा समुच्चय है जो प्रारंभिक 100 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो स्टूडेंट्स ये कहलाता है सुपरिभाषित समूह, और इनके अंदर जो लिखे होते हैं ये कहलाते हैं अवयव। और जैसे हम कहें कि ए में अवयवों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 5 है। इसमें अवयवों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। कई कई बार एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछ लेता है, जैसे मान के चलो वो लिखेंगे, यहां उन्होंने लिख दिया वाई बराबर 1, 2, 1, ठीक है, फिर यहां लिख दिया 2, 3 और फिर 4, और यदि आपसे पूछा है कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो स्टूडेंट्स कोई भी अवयव भले कितने ही बार लिखा हो समुच्चय में, हालांकि ये तरीका नहीं होता है, कभी आपको लिखा नहीं मिलेगा, ये गलत तरीका होता है, लेकिन एग्जामिनर ऐसे प्रश्न बनाता है, इस प्रकार की रिपीट करके अवयवों को दे देता है और फिर पूछता है कि अवयवों की संख्या कितनी है, तो स्टूडेंट्स ऐसा लिखना ही गलत होता है। इसलिए यदि जैसे एक यहां दो बार आया है तो एक ही बार गिना जाएगा, किसी भी एक एक को हम गिनेंगे तो एक, दो भी यहां दो बार आया है तो दो को भी हम एक ही गिनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, मतलब इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 4, 1, 2 और 3 और 4, बस अवयवों की संख्या 4 है। स्टूडेंट्स कभी भी किसी भी अवयव का रिपीटेशन समुच्चय के अंदर नहीं होता है, यदि रिपीटेशन हो गया है या कई बार भी लिख गए हैं तो हमें उनको अवयवों की संख्या काउंट करने में उनको एक ही बार गिनना होता है। अब हम देखते हैं कि समुच्चय को कितने प्रकार से लिखा जाता है, तो स्टूडेंट्स किसी भी समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जाता है। एक प्रकार कहलाता है सारणीबद्ध या रोस्टर मेथड, जैसे ए बराबर मंजिले कोष्टक में हमने लिख दिया 1, 2, तो दूसरा जो तरीका होता है स्टूडेंट्स ये कहलाता है निर्माण या गुण विधि, जैसे उसमें लिख देते हैं ए बराबर एक्स ऐसा है कि एक्स, इसको ऐसा पढ़ते हैं, एक्स ऐसा है कि एक्स एक धनात्मक संख्या है, और भी आगे जोड़ देते हैं जो 10 से छोटी है या 20 से छोटी है, कुछ भी, या सम संख्या है या पूर्णांक है कुछ भी, ठीक है, या इस प्रकार से, तो ये कहलाती है गुण विधि, और ऊपर का जो हमने दर्शाया है ये कहलाती है सारणीबद्ध या रोस्टर मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके भी प्रश्न लिखने के लिए आते हैं कि मतलब सारणीबद्ध से हमें निर्माण में बदलना होता है और निर्माण से सारणीबद्ध में बदलना होता है, तो इसे हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो है हमारा समुच्चय का ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है, हम जब सेकेंड पार्ट ले आएंगे तो उसमें आपको समुच्चय को बैनारेख में दर्शाना और सारणीबद्ध से निर्माण और निर्माण से सारणीबद्ध में लिखना सिखाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं उपसमुच्चय, इसको इंग्लिश में स्टूडेंट्स कहते हैं सबसेट, और ये उपसमुच्चय का क्या होता है? निशान होता है स्टूडेंट्स, इसको पढ़ते ऐसे हैं, यदि कहीं लिखा है ए सबसेट ऑफ वी तो इसे हम कहते हैं ए उपसमुच्चय है बी का,
ये उपसमुच्चय या सबसेट का सिंबल होता है। ए उपसमुच्चय है कितने, ए उपसमुच्चय है बी का। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, जो ये उपसमुच्चय होता है ये छोटा होता है बड़े समुच्चय से। परिभाषित कैसे कर सकते हैं, यदि किसी समुच्चय के एक भाग को लेकर कोई नया समुच्चय बनाया जाए तो नया समुच्चय दिए गए समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। ये तो आपको याद होना नहीं है, खासकर हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान के चलो ए कोई समुच्चय है, इस प्रकार के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार के अवयव लिखे जाते हैं, जनरली से यू से दर्शाते हैं। तो जैसे ए के अवयव हैं 1, 3, 5, 7, 9 और बी बराबर कुछ भी, हमने 3, 5, 7 मतलब 3, 5, 7 हमने इसका कोई भी एक हिस्सा ले लिया, तो हम ये कहेंगे स्टूडेंट्स कि जो बी छोटा है इसका मतलब जो है बी जो है बी उपसमुच्चय है ए का। इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, बी उपसमुच्चय है ए का। तो इस प्रकार से इसे हम लिखते हैं, बी उपसमुच्चय है ए का, इस टाइप से हम लिखते हैं। और भी इसे हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, कई समुच्चय इसके बन सकते हैं, इसके कई उपसमुच्चय और बन सकते हैं। जैसे यहां हम कहें केवल हम यहां एक भी लिख दें तो भी बी उपसमुच्चय होगा ए का, यहां हम केवल 3 लिख दें तो भी उपसमुच्चय होगा, हम 5 और 9 लिख दें तो भी उपसमुच्चय होगा, ये पूरा का पूरा भी स्टूडेंट यदि हम लिख दें तो भी उपसमुच्चय होगा, ठीक है। अब दूसरी एक परिभाषा होती है स्टूडेंट घात समुच्चय, जो उपसमुच्चय को दर्शाता है। यदि कभी आपसे पूछा जाए कि कभी भी किसी भी समुच्चय की अधिकतम उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो सकती है, तो किसी भी समुच्चय के स्टूडेंट्स उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है ये होती है 2n की घात। जैसे हम कहें कि यहाँ एक क्वेश्चन है a बराबर 1, 3, 5, 7, 9 मतलब ये कितने अवयव हैं, तो 1, 2, 3, 4 ये 5 अवयव हैं। यदि स्टूडेंट्स आपसे कहा जाता कि यदि a बराबर 1, 3, 5, 7, 9 है तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी या फिर अधिकतम कितनी होगी, अधिकतम ही पूछी जा सकती है स्टूडेंट्स, न्यूनतम तो 0 होती है या रिक्त समुच्चय उसको हम कहते हैं, शून्य समुच्चय रिक्त समुच्चय न्यूनतम होती है। यदि अधिकतम उपसमुच्चयों की संख्या पूछी जाती है तो ये होती है 2n की घात, जहां स्टूडेंट्स ये n शब्द n लिखा होता है, ये n कहलाती है उस समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो यहां हम देख रहे हैं अवयवों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो यदि हम यहां कहते कि इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती, तो 2n, n = 5 है, मतलब 2 पे 5 मतलब 32 उपसमुच्चय बनते इसके, कितने बनते 32। आई होप आप समझ रहे होंगे। यदि बी के उपसमुच्चय लिखते हैं हम तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 तो 2 पे 3 की घात 8 बनते इस प्रकार से, ठीक है। यहां हमने आपको बताया है किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की अधिकतम संख्या 2 पे n की घात होती, जहां n अवयवों की संख्या है। अब स्टूडेंट्स आपको ऐसे प्रश्न आते हैं कि ए बी के सभी उपसमुच्चय लिखिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कभी भी किसी के भी हम उपसमुच्चय लिखते हैं तो पहला उपसमुच्चय होता है फाई, इसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। स्टूडेंट्स रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय को फाई से दर्शाते हैं, ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या रिक्त होती है, तो इसे फाई से दर्शाते हैं, या फिर मंजिले कोष्टक में डैश 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 ब्लैंक छोड़ के ऐसे भी रिक्त समुच्चय को दर्शाया जाता है। तो कभी भी हम किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय लिखते हैं तो पहला उपसमुच्चय होता है फाई, एक हो गया, फिर ए भी इसका एक उपसमुच्चय होगा, फिर बी भी इसका एक उपसमुच्चय होगा, और एक बार पूरा का पूरा समुच्चय ही लिख दिया जाता है, यही नियम है। ये होगा इसके उपसमुच्चय, तो कितने हो गए, इसको हम एक ही गिनेंगे, 1, 2, 3, 4 मतलब इसके ये सभी उपसमुच्चय हो गए। अब जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2, 3 के सभी उपसमुच्चय कौन कौन से हो सकते, तो एक बार तो स्टूडेंट्स क्या होगा, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो यहां हम फाई लेंगे, फिर एक बार मंजिले कोष्टक में लिखे जाते एक लेंगे, फिर एक बार हम केवल 2 लिखेंगे, एक बार केवल 3 लिखेंगे, फिर एक बार 1 के साथ 2 लिखेंगे, फिर 1 और 3 को लेकर भी एक समुच्चय बनाया जा सकता है, फिर 2 और 3 को लेकर भी एक समुच्चय बनाया जा सकता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा स्टूडेंट्स। एक बार 1, 2, 3 खुद पूरा का पूरा समुच्चय भी उपसमुच्चय होता है, मतलब इसकी उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, और इस प्रकार से हम इसे लिख रहे होंगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे उपसमुच्चय को कैसे लिखा जाता है। अब केवल ए लिखा है कि ए के उपसमुच्चय लिखो, तो अवयवों की संख्या कितनी है, 1 है, तो 2 पे 1 की घात मतलब इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, अधिकतम 2 होंगे, वो क्या क्या होंगे, एक तो होगा ए खुद, और एक होता है किसी भी समुच्चय को उपसमुच्चय फाई। आई होप आप समझ गए होंगे कि उपसमुच्चय को कैसे लिखते हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हमने रिवर्स में लिया है, कह रहे हैं फाई ए बी और ए बी के स्थान पर एक समुच्चय लिखो, तो जब हम इसके स्थान पर एक समुच्चय लिख रहे होंगे स्टूडेंट, तो मंजिले कोष्टक के अंदर ये बन रहा होगा केवल कितना, ए और बी, केवल इन सभी अवयवों को हमें एक साथ में लिख देना है फाई, तो हर एक का उपसमुच्चय होता है, ये फाई को लिखा नहीं जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का हमने लिया है,
इसमें भी आपसे क्या कह रहे हैं, इसमें भी वही कह रहे हैं कि 1 3 5, फिर यहां 1 3 है, 1 5 है, 3 5 है और 1 3 5 और 5, कह रहा है इसके स्थान पर एक समुच्चय लिखो। तो हम क्या लिखेंगे, ये पूरे अवयवों को मिला के लिख देंगे, 1 3 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितने लिखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिखे थे। तो अवयवों की संख्या हमें कितनी चाहिए, 3, क्योंकि जब हम 2 पे 3 की घात कर रहे होंगे तो यहां कितने मिल रहे होंगे, 8, मतलब इसी के उपसमुच्चय यहां पर ये पूरे 8 लिखे हुए हैं। अब यदि 8 उपसमुच्चय लिखे हैं तो उनको समुच्चय रूप में हम ऐसा लिखेंगे, यही इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देख लेते हैं अब हम पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या कहलाता है, मुख्यतः स्टूडेंट पूरक समुच्चय को ए डैश के द्वारा दर्शाया जाता है, इसे हम कहते हैं ए का पूरक। इसमें क्या होता है, पूरक निकालने के लिए, अब यहां से प्रश्न कैसे आते हैं, आपको पूरक समुच्चय निकालने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूरक समुच्चय को कैसे निकाला जाता है। स्टूडेंट्स आज हम आपको पूरक समुच्चय, उपसमुच्चय और कई प्रकार के अन्य समुच्चयों के बारे में बता रहे हैं। तो पूरक समुच्चय कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय दिया होता है, जिसे हम मूल समुच्चय कहते हैं स्टूडेंट्स। उसका यदि हमें पूरक समुच्चय निकालना होता है तो समष्टीय समुच्चय जो दिया होता है, इसके अवयवों को छोड़कर जितने अवयव बचते हैं वो ए के पूरक के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे यहां कह रहे हैं कि ए डैश का मान क्या होगा या ए का पूरक क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां जब हम इसका पूरक निकाल रहे होंगे तो यहां हम निकाल रहे होंगे ए डैश। तो ए डैश को कैसे निकाला जाता है हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। ए डैश को निकालने के लिए ये कहलाता है समष्टीय समुच्चय, जो यू बराबर हमें दिया होता है 1 2 3 4 5 6 और ए बराबर दिया है 4 5 6। तो स्टूडेंट्स ए के समुच्चयों को छोड़कर, मतलब 4 नहीं लेना हमें, 5 नहीं लेना और 6 नहीं लेना, 4 5 6 को छोड़कर अब यहां जितने भी बचते हैं समष्टीय समुच्चय में, तो कितने बचते हैं, 1 2 3 3 अवयव बचते हैं, तो ये क्या होगा, इसका पूरक समुच्चय होगा। ठीक है, यदि U का मान उसमें दिया होता है और एक दूसरा समुच्चय लिखा होता है, उसी का हमें पूरक निकालना होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, पूरक समुच्चय के अवयवों में से जितने बचते हैं दिए गए समुच्चय के अवयवों को छोड़कर, वो सभी उसके पूरक समुच्चय में आ जाते हैं। कहने का मतलब यदि हम इसका और इसका संघ निकालें तो ये समष्टीय समुच्चय बन जाता है। संघ कैसे निकालते हैं आपको हम बता रहे हैं, एक और एग्जाम्पल, हमने 4 एग्जाम्पल लिए, आप समझ जाओगे। यहां दूसरा क्वेश्चन है, यू बराबर कह रहा है ए बी सी डी ई एफ और ए बराबर कह रहा है ए बी, तो ए डैश का मान क्या होगा, मतलब हमें वही निकालना है, ए डैश बराबर हमें निकालना है। तो ए डैश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय कैसे निकाला जाता है, जिस समुच्चय का हमें पूरक समुच्चय निकालना है उसके अवयवों को छोड़ दो, मतलब ए को छोड़ दो और बी को छोड़ दो। तो ए और बी जब हम यहां से छोड़ रहे होंगे तो केवल कितना बचता है समष्टि में, सी डी ई और एफ, तो सी डी ई और एफ, ये होगा इसका ए का पूरक समुच्चय, ए डैश का मान। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। दूसरा स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लिखा है कि यदि यू बराबर ए बी सी डी है और ए बराबर रिक्त समुच्चय है या फाई है, मतलब रिक्त समुच्चय, तो ए डैश का मान क्या होगा। तो यहां स्टूडेंट जब हम ए डैश का मान निकाल रहे होंगे तो आप खुद देखो कि यहां हमें कैसे निकालना होता है पूरक, कि जिस समुच्चय के पूरक समुच्चय निकालना है उसके अवयवों को छोड़कर, तो यहां तो इसके कोई भी अवयव नहीं है, मतलब सभी को छोड़ दो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां कोई भी अवयव नहीं है तो फिर इसका जो पूरक समुच्चय निकलेगा उसमें ये सब आ जाएंगे, ए बी सी और डी, क्योंकि यहां छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसके बचे कितने, पूरे बचे, तो पूरे हम यहां लिख देते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक और हमने लिया है, यदि यू बराबर 1 2 3 4 5 6 है और ए बराबर 2 4 6 है, तो ए का पूरक और उसका तक पूरक आप निकालो, क्या होगा कह रहा है। कई कई बार यहां से प्रश्न आते हैं, अच्छे प्रश्न होते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे कैसे इनको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्या निकालते हैं, ए का पूरक निकालते हैं। तो ए का पूरक निकालने की हमने आपको क्या विधि बताई है, जब हम ए का पूरक निकाल रहे होंगे तो 2 4 6 को छोड़ करके यू के जितने भी अवयव बचते हैं वो सभी ए के पूरक में आते हैं। तो जब आप 2 4 6 को छोड़ रहे होंगे तो यहां बच रहा होगा 1 3 और 5। ठीक है, आपको 2 4 6 छोड़ना है तो यहां क्या बचेगा, 1 3 5। तो ये 1 3 5, इसको समीकरण 1 दे दिया, ये 1 3 5 क्या निकलाया स्टूडेंट्स, ये निकलाया ए का पूरक। लेकिन हमसे ये नहीं कहा है, हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि ए का पूरक निकालो, मतलब ए डैश और होल डैश, मतलब उसका तक पूरक निकालो। अब हम निकालेंगे यहां स्टूडेंट्स ए डैश और इसका तक होल डैश, मतलब अब हमें इसका पूरक निकालना है स्टूडेंट्स। तो जब हम इसका पूरक निकाल रहे होंगे तो पूरक निकालने के लिए दिए गए समुच्चय को देखा जाता है और समष्टीय समुच्चय यू के अवयवों को देखा जाता है, ऐसे निकाला जाता है। तो जब हम ए पूरक का भी पूरक निकाल रहे होंगे तो ए पूरक के अवयव कितने हैं, 1 3 5। तो यहां से समष्टीय समुच्चय में से 1 3 और 5 को छोड़कर जितने भी अवयव बचते हैं, कितना बचता है, 2 बचेगा, 4 बचेगा और 6 बचेगा। तो ये
ए पूरक के पूरक में आ जाएंगे। तो इसको हम क्या देंगे स्टूडेंट्स, इसको हम देंगे क्या समीकरण दो। अब आप देखो यहां ए का मान कितना था, दो चार छह, और ए पूरक का मान भी कितना है, दो चार छह। तो यदि यहां एग्जामिनर ने हमसे रिलेशन पूछ लिया होता तो यहां हम स्टूडेंट्स ये कहते कि ए का पूरक का जो पूरक होता है ये कितने के बराबर होता है, ए के ही बराबर होता है। देखो इनके अवयव एक से है, ए पूरक के अवयव देखो दो चार छह, और यहाँ ए के भी देखो दो चार छह, दाएं दाएं पक्ष बराबर, तो हम बाएं बाएं भी बराबर लिख सकते हैं। इस प्रकार के रिलेशन भी आपसे कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। यहां हमने अब आपको पूरक निकालना सिखा दिया स्टूडेंट्स, अब हम आपको सिखा रहे हैं सर्वनिष्ठ निकालना और संज्ञा निकालना। कि सर्वनिष्ठ मतलब होता है स्टूडेंट्स ये सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ या कॉमन, तो स्टूडेंट्स ये इसका इंटरसेक्शन इसको कहते हैं, ये इसका सर्वनिष्ठ का सिंबल होता है इस प्रकार का, इसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं। सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ एक ही बात है, इसको कैसे निकाला जाता है हम देखते हैं। यहां स्टूडेंट्स क्या होता है, दो समुच्चय आपको दिए होते हैं, जैसे ए बराबर कह रहे हैं एक दो तीन चार, और बी बराबर कह रहे हैं एक चार पांच छह, तो कह रहे हैं ए सर्वनिष्ठ बी का मान क्या होगा, एज इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जब कभी भी हम सर्वनिष्ठ निकालते हैं तो जिन भी समुच्चयों का हम सर्वनिष्ठ निकाल रहे होते हैं, सर्वनिष्ठ निकालने के लिए, सर्वनिष्ठ का मतलब ये उभयनिष्ठ, वही अवयव यहां होना चाहिए और वही अवयव यहां होना चाहिए, तो इस प्रकार से हम इनका सर्वनिष्ठ निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमन, तो यहां हम देख रहे हैं एक यहां भी है और एक यहां भी है, तो एक यहां आएगा। फिर दो पे विचार करो, दो यहां है पर यहां नहीं है, तीन पे विचार करो, तीन यहां है पर यहां नहीं है, चार पे विचार करो, चार यहां है और यहां है, तो यहां कॉमा लगा के चार भी आ जाएगा। पांच पे विचार करो, पांच यहां है यहां नहीं है, छह यहां है यहां नहीं है, तो स्टूडेंट्स ए सर्वनिष्ठ बी का मान कितना होगा, एक और चार, ये इसके अवयव होंगे सर्वनिष्ठ बी में। आई होप आप समझ गए हो, सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन, यहां भी दिख रहे हैं और यहां भी दिख रहे हैं, वो क्या होते हैं सर्वनिष्ठ। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन हमने यहां लिया है एक्स बराबर ए बी सी डी और वाई बराबर बी डी, तो एक्स सर्वनिष्ठ वाई का मान क्या हुआ। तो स्टूडेंट जब हम यहाँ एक्स सर्वनिष्ठ वाई का मान निकाल रहे होंगे तो वही हमने बताया मंजिले कोष्टक के अंदर कौन से अवयव लिखना है जो यहां भी हो और यहां भी हो। तो देखो बी यहां भी है और बी यहां भी है, डी यहां भी है और डी यहां भी है, तो इसके अवयव क्या लिख रहे होंगे हम, बी डी, ये एक्स सर्वनिष्ठ वाई का मान हो जाएगा। यहां देखो एक्स बराबर एक दो तीन चार और वाई बराबर क्या कह रहा है, फाइव, फाइव मतलब रिक्त समुच्चय, हम आपको बता चुके हैं, या शून्य समुच्चय कहते हैं जिसके अवयवों में, जिसके मतलब अवयवों की संख्या शून्य हो या बिल्कुल भी नहीं हो, रिक्त हो, उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहा जाता है। तो वाई बराबर कह रहे रिक्त समुच्चय फाइव, तो स्टूडेंट जब हम यहाँ एक्स सर्वनिष्ठ वाई का मान निकाल रहे होंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, अब चूंकि सर्वनिष्ठ में हम ऐसे अवयवों को लेते हैं जो यहां भी हो और यहां भी हो, तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए इसका मान हमें क्या मिल रहा होगा, फाइव मतलब रिक्त मिल रहा होगा। तो या तो एक्स सर्वनिष्ठ बी बराबर इसका एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर फाइव आएगा, या हम इसी को लिख सकते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर, कई कई बार रिक्त समुच्चय को इस डैश 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 और मंजिले कोष्टक में इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, इनका आंसर क्या होगा, फाइव। ठीक है स्टूडेंट्स, कई कई बार निर्माण विधि में इस प्रकार के क्वेश्चन लिखे भी आपको आ जाते हैं, तो अभी हमने ऐसे क्वेश्चन लिए नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट जब हम आपको ले आएंगे तो उसमें हम इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। कह रहे हैं x बराबर मतलब a बराबर x, ऐसा है कि x प्राकृत संख्या है और तीन का गुणज है। तो स्टूडेंट जब हम यहाँ a के लिए सामान्य समुच्चय के रूप में बना रहे होंगे, रोस्टर के फॉर्मेट में जब हम इसे लिख रहे होंगे, तो ये मिलेगा एक्स ऐसा है कि प्राकृत संख्या और तीन का गुणज है, तो तीन का सबसे छोटा गुणज तीन, फिर छह, फिर नौ, फिर 12, फिर 15, और तीन का गुणज, गुणजों की संख्या कितनी होती, अभ्यर्थियों की संख्या, मल्टीपल जो होते हैं वो अनंत होते हैं, तो ये अनंत तक जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ बी बराबर में क्या कह रहे हैं, बी बराबर कह रहा है एक्स ऐसा है कि एक्स प्राकृत संख्या है और छह से छोटी है, तो प्राकृत संख्या है और छह से छोटी मतलब एक दो तीन चार पांच छह से छोटी है, मतलब छह शामिल नहीं है, तो यहाँ कहां तक रखेंगे स्टूडेंट्स हम, पांच तक ही रखेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले इनको रोस्टर फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं निर्माण विधि से। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ए सर्वनिष्ठ वाय, जैसे वो उन्होंने कहा हमसे कि ए सर्वनिष्ठ कह रहे हैं ए सर्वनिष्ठ बी का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट जब हम यहाँ ए सर्वनिष्ठ बी का मान निकालेंगे तो ए सर्वनिष्ठ बी में जैसा कि हमने आपको बताया ऐसे अवयव मिलते हैं जो ऐसे अवयव हमें लेना होती है जो यहां भी है और यहां भी है। तो देखो आप तीन यहां है तीन यहां है तो तीन तो आ जाएगा, फिर यहां छह है, क्या यहां छह है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए सर्वनिष्ठ बी का मान केवल कितना होगा, तीन, एक ही अवयव होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे।
ठीक है, यहां लिखा था छह से छूटी है तो छह हम ले नहीं सकते, छह से छूटी, यदि लिखा होता छह या छह से छूटी तो छह और आ जाते। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि सर्वनिष्ठ कैसे निकाला जाता है। ऐसे सर्वनिष्ठ को निकालने के लिए जो दोनों में अवयव होते हैं वो सर्वनिष्ठ में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स अगला टाइप, समुच्चयों का संघ निकालना। संघ को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। संघ को कैसे निकाला जाता है हमने कुछ प्रश्नों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं संघ को कैसे निकाला जाता है। जैसे यहां कह रहे हैं ए बराबर एक दो तीन, बी बराबर कह रहे हैं तीन चार पांच छह स्टूडेंट्स, तो कह रहे हैं ए यूनियन ऑफ बी का मान क्या होगा, मतलब ए संघ बी क्या होगा। तो स्टूडेंट जब भी हम यहां पर ए संघ बी निकालते हैं तो ए संघ बी निकालने के लिए हमें दोनों को, दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला करके लिखना होता है, बशर्ते यदि कोई एक बार आया है तो भी हमें लिखना होता है और दो बार कोई अवयव आया है तो भी एक बार लिखना होता है। समझो आप ध्यान से हमारी बातों को सुनो, यदि दो बार कोई अवयव आया है तो भी एक बार लिखना है और दो बार भी आया है तो भी एक बार लिखना है और एक बार आया तो भी एक बार। जैसे यहां एक है यहां नहीं है तो एक को हम लेंगे, दो यहां है यहां नहीं है तो भी हम संघ में दो को लेंगे, तीन यहां है और यहां है तो भी तीन को हम एक बार लेंगे, फिर यहां चार पांच छह और हैं तो स्टूडेंट्स हम यहां चार पांच छह को और लेंगे। मतलब दोनों समुच्चयों के अवयवों में से रह कुछ ना जाए, यहां है तो भी आ जाए, यहां है तो भी आ जाए और दो जगह है तो भी एक बार आ जाए। ठीक है, तो ऐसे निकाला जाता है किसी भी समुच्चय का संघ। जैसे यहां अगला कह रहा है एक्स बराबर ए बी और वाई बराबर कह रहा है सी डी ई, तो जब हम यहां स्टूडेंट्स एक्स संघ वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो देखो ए यहां है बी यहां है, यहां तो नहीं है भी लेकिन हम संघ में ए और बी को भी लिखेंगे, फिर यहां सी डी ई यहां है क्या, नहीं है पर यहां तो है सी डी, तो सी भी आएगा डी भी आएगा और ई भी आएगा, तो यहां एक्स संघ वाई मिलेगा ए बी सी डी ई। संघ का मतलब होता है दोनों के अवयवों को मिला करके हमें लिख देना है, यदि दो बार कोई अवयव आता है तो एक बार लिख देना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि संघ को कैसे निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन एक संघ का हमने और लिया है, क्या कह रहा है ए बराबर एक दो चार छह और बी बराबर है ब्लैंक रिक्त स्थान, तो ए संघ बी का मान क्या होगा। तो यहां इस क्वेश्चन में स्टूडेंट जब हम ए संघ बी का मान निकाल रहे होंगे तो संघ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के अवयवों को मिला के लिखते हैं, तो यहां तो कोई अवयव है नहीं, ये तो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय है, तो केवल हम एक दो चार और छह को ही लिखेंगे। माने ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ए संघ बी की स्टूडेंट जो वैल्यू होती है वो ए के ही बराबर आ जाती है यदि दूसरा समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम आपको करवाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि यूनियन या संघ को कैसे निकाला जाता है। कुछ क्वेश्चंस और हमने इम्पोर्टेंट लिए हैं, ये भी एग्जाम रिलेटेड हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों यदि यहां तक आपने हमारा वीडियो देखा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक तो करते ही चले, लाइक कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं स्टूडेंट ये अलग से टाइप के क्वेश्चन है, कह रहे हैं हालांकि है इन्हीं पर बेस्ड, यदि एन ए बराबर 12 एन बी बराबर 15 अवयव हैं तो ए संघ बी अधिकतम व न्यूनतम अवयवों की संख्या क्रमशः क्या होगी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि एक समुच्चय ऐसा है जिसमें अवयवों की संख्या 12 है और दूसरा समुच्चय बी ऐसा है जिसमें अवयवों की संख्या 15 है, तो कह रहे हैं एक्स संघ बी में अधिकतम कितने अवयव हो सकते और ए संघ बी में, मतलब ए संघ बी है सॉरी, और फिर कह रहे हैं न्यूनतम कितने अवयव हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें उसी संघ के नियमों का ही उपयोग करना होगा। तो स्टूडेंट्स जब हम यहां पर पहले क्रमशः लिखा है तो पहले जब हम अधिकतम अवयवों की संख्या निकाल रहे होंगे तो अधिकतम अवयवों की संख्या क्या होगी, जैसे मान के चलो हम कहें कि ए बराबर यहां कुछ भी ए बी सी डी अप टू डैश 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 ऐसे कितने अवयव हैं, ऐसे 12 अवयव हैं, और जब हम कहें कि बी बराबर है स्टूडेंट अब हमें अधिकतम निकालना है तो मान के चलो 12 नंबर पे क्या आता है, एल आता है, लखनलाल जी 12 साल के, ठीक है जब वनवास हुआ तो एल आता है, एल तक यहां है। अब मान के चलो यहां जरूरी नहीं, यहां मान के चलो एल के बाद में एम से हो एम एन ओ पी, और ये कितने हो, मान के चलो ये कितने हो 15 हो, तो जब हम ए संग बी निकाल रहे होंगे तो इसके भी पूरे लेना पड़ेंगे 12 और इसके भी 15 लेना पड़ेंगे, तो अधिकतम कितने अवयव मिलेंगे हमें, 27 अवयव मिलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे संघ निकालने में यदि इसके अलग ले हो इसके अलग ले हो, मतलब कैसे ज्यादा से ज्यादा अवयव बना सकते हो आप, वो हमें अधिकतम में लेना है। अब क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, अब कह रहे हैं कि न्यूनतम अवयवों की संख्या इसमें कितनी हो सकती है, कम से कम अवयव कितने हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कम से कम अवयव जब आप मान के चलो कम से कम कब हो सकते हैं, जब वही यहां हो मतलब और वही यहां हो, ठीक है, तो जैसे यहां कितने थे, मान के चलो यहां 12 अवयव थे, कितने थे यहां 12 थे और यहां इसमें कितने अवयव थे
यहां इसमें पूरे के पूरे कितने अवयव थे, मान के चलो 15 अवयव थे, ठीक है, तो 12 12 ये और मतलब न्यूनतम 12 ये और 15 ये, तो आप इनको और इनको स्टूडेंट्स जब कम से कम जोड़ के लिख रहे होगे तो आपको 15 अवयव तो न्यूनतम कम से कम मिलेंगे ही, क्योंकि यहां के तो 15 आपको पूरे लेने ही पड़ेंगे, संघ निकालने में आते ही हैं, तो इसमें न्यूनतम अवयव की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी प्रकार का इंटरसेक्शन का है, मतलब सर्वनिष्ठ का है कि सर्वनिष्ठ में अधिकतम और न्यूनतम अवयवों की संख्या क्या होती है। इसमें ऐसा कह रहा है यदि एन ए बराबर 12 और एन बी में 15 अवयव हो, दो मतलब दो ऐसे उप समुच्चय है जिसमें ए में 12 अवयव है और बी में 15 अवयव है, ये नंबर ऑफ लिखा होता है उनकी अवयवों की संख्या, तो ए सर्वनिष्ठ बी में अधिकतम कितने होंगे और न्यूनतम कितने होंगे। स्टूडेंट्स अधिकतम का सर्वनिष्ठ निकालना हमने आपको सिखाया था, सर्वनिष्ठ कैसे निकाला जाता है, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है उभयनिष्ठ, ऐसे अवयव जो दोनों में हो इनको हम क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जब आप सर्वनिष्ठ निकाल रहे होंगे तो सर्वनिष्ठ में एक में तो मिल रहे होंगे कितने अवयव, जब आप मान के चलो ए बराबर लिख रहे होंगे तो यहां टोटल मिला के आपको कितने अवयव लिखे होंगे, 12 अवयव लिखे होंगे, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर 12 चीजें लिखी होंगी। फिर यहां जब बी बराबर लिख रहे होंगे आपको तो यहां पर आपको कितना लिखा होगा, मान के चलो यहां लिखे होंगे 15 अवयव लिखे होंगे, कितने लिखे होंगे 15 अवयव, लेकिन जब आप अधिकतम निकालोगे तो यहां के भी यहां भी हो और यहां भी हो, तो यहां अधिकतम कितने हैं, 12 है, 12 यहां से लेंगे, 12 यहां से, एक से होना चाहिए, तो अधिकतम की संख्या कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स इसकी, 12, ठीक है। और यदि हम कहें के न्यूनतम अवयव हो तो स्टूडेंट्स एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है दूसरी वाली के यहां कुछ और अवयव हो, मान के चलो यहां लिखा है एक्स वाई ए बी सी डी एफ जी एच आई और यहां लिखा है 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके अवयव और इसके अवयव बिल्कुल भी मिल नहीं रहे, मतलब यहां भी हैं और यहां भी हैं, तो ऐसे कोई भी अवयव नहीं है क्योंकि यहां ए बी सी डी है, यहां गिनती है, तो न्यूनतम अवयवों की संख्या यहां कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स, 0 भी हो सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे कुछ समुच्चयों की परिभाषा, और यहां से भी प्रश्न आते हैं देख लेते हैं। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे समुच्चय को हम परिमित या सीमित समुच्चय कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जैसे हम कहें कि ए बराबर कुछ भी 2 4 6 8 और 10, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय या सीमित समुच्चय कहते हैं, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित या सीमित होती है, इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 अवयव, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, तो ऐसे समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित या अनंत होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश 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 इन्फिनिटी, अनंत तक जा रहा है, तो इस प्रकार कोई भी समुच्चय कहती एंड ना हो, लास्ट पॉइंट उसका ना मिले, तो ऐसे समुच्चय को अपरिमित या अनंत समुच्चय कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, तुल्य या समान समुच्चय किसे कहते हैं, तो ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, ऐसे समुच्चय को हम तुल्य समुच्चय कहते हैं, जैसे ए बराबर यहां लिखा है 2 4 6 अवयवों की संख्या समान है, और बी बराबर लिखा होता एबीसी यहां भी 3 अवयव है, ऐसे समुच्चय को तुल्य समान समुच्चय कहते हैं जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। अगला शून्य समुच्चय रिक्त समुच्चय, ऐसे समुच्चय को शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या शून्य या रिक्त होती है, इसे इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है, या शून्य रिक्त समुच्चय को फाई द्वारा भी दर्शाया जाता है। फिर स्टूडेंट्स कुछ प्रश्न और बचे हैं, बस 2 मिनट का है, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस संख्याओं के समुच्चय को किससे दर्शाया जाता है, तो यहां देखते हैं, यहां से प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट देख लें आप, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से दर्शाया जाता है, ध्यान रखो वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर कहते हैं, इसलिए उसी रियल नंबर को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, इसलिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से दर्शाते हैं, इनिशियल से उसका पहला लेटर ले लिया। दूसरा फिर यहां लिखा है स्टूडेंट्स प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से दर्शाते हैं, ध्यान रखना सभी को कैपिटल से तो दर्शाया जाता है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और इनिशियल से इसका पहला लेटर एन बनता है, इसलिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को एन से दर्शाया जाता है। फिर स्टूडेंट पूर्णांकों के समुच्चय को जेड से दर्शाया जाता है, हालांकि पूर्णांकों को हम इंटीजर कहते हैं, तो इंटीजर तो आई तो नहीं लेना आप, यहां क्या ले लेना आप, जर का जेड ले लेना, ठीक है, तो पूर्णांकों के समुच्चय को जेड से दर्शाते हैं। फिर परिमेय संख्याओं को हालांकि रेशनल नंबर कहते हैं लेकिन आर को वास्तविक से दर्शा दिया स्टूडेंट्स, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं, याद रखना आप कोई लॉजिक बना लेना, क्योंकि हम परिमेय संख्या नहीं जानते ऐसे करके, क्योंकि हम परिमेय संख्या नहीं जानते तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू से दर्शाया जाता है। स्टूडेंट जो इरेशनल नंबर होते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है, टी से, वैसे परिमेय संख्याएं कठिन होती हैं और टी
20 मैच वगैरह भी बहुत कठिन ही होते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को टी से दर्शाया जाता है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक कर दें। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो हम आपको लाते रहते हैं। हमारा पार्ट फर्स्ट था समुच्चय को लेके, इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्दी लाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, और यदि आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो लाइक तो आप इसे कर ही दें, और इस हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदार मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।